हेलो एंड वेलकम टू गेट एडमिशन। मैं सेल्फ हिमांशु और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज के बारे में, जो कि नागपुर में लोकेटेड है। रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड ब्रांच है, ठीक है, काफ़ी पॉपुलर, उसके अकॉर्डिंगली हो चुके हैं, इसका हॉस्पिटल काफ़ी पॉपुलर हो चुका है नागपुर में। तो चलिए फटाफट से जानते हैं दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ का फीस स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी एंड कैसे एडमिशन हो सकता है, एंड इवन अगर आपकी थोड़ी रैंक कम आई है तो कैसे एडमिशन हो सकता है। तो ढेर सारी बातें करने को, एंड हॉस्पिटल के बारे में, पेशेंट फ्लो हो गया या फिर आपकी मतलब पेशेंट मतलब बेड्स हो गए, टोटल बेड्स हो गए, स्टाफ के बारे में, तो ढेर सारी बातें हैं जो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज एक काफ़ी पॉपुलर मेडिकल कॉलेज है। हम नागपुर वाली ब्रांच की इसकी बात करें, नागपुर महाराष्ट्र में जो इंस्टीट्यूट लोकेटेड है, आपको फैसिलिटीज़ ट्रांसपोर्ट की मिल जाती है। ट्रांसपोर्ट आप इजीली मतलब कनेक्ट कर सकते हैं कॉलेज तक, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी आप पहुँच सकते हैं एंड कॉलेज भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा 2020 में जो इंस्टीट्यूट है वो स्टैब्लिश हुआ है, लेटेस्ट स्टैब्लिश हुआ है एंड एक डीम्ड मेडिकल कॉलेज है। एंड मैं कोर्सेज की बात करूँ तो यहाँ पे आपको कई सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, MBBS, MD, MS, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ MBBS के बारे में बातें करने वाले हैं। एफिलिएशन की बात करते हैं तो ये जो इंस्टीट्यूट है वो दत्ता मेघे यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड है, ठीक है, इनकी जो खुद की यूनिवर्सिटी है, डीम टू बी यूनिवर्सिटी है। एंड इसके अलावा ये जो इंस्टीट्यूट है वो NMC के द्वारा अप्रूव्ड भी है, AICT NBA के द्वारा भी अप्रूव्ड है। तो ये सारी इसकी मतलब एफिलिएशन वगैरह, महाराष्ट्र एजुकेशन इनकी कंडक्टिंग अथॉरिटी है। एंड बात करूँ यहाँ के कैंपस की तो देखो कैंपस बहुत ही ज्यादा बड़ा एंड लशन ग्रीन एनवायरमेंट वाला कैंपस है, बहुत ही अमेजिंग कैंपस है, आपको घूमने फिरने में भी अच्छी खासी वाइब आने वाली है। तो कैंपस वाइज तो मैं कहूँगा कि मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो टिक कर देते हैं। मैं बताऊँ यहाँ के हॉस्पिटल के बारे में, तो हॉस्पिटल जगह अब आपको पता ही है 2020 में स्टैब्लिश हुआ, तो बहुत ज़्यादा साल तो इसको हुए नहीं स्टैब्लिश हुए, तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो पेशेंट फ्लो 1000 अप्रोक्सीमेटली रहता है पर डे का। एंड उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये भी है कि जो आसपास वाले एरिया है वहाँ पे मिडिल क्लास लोग भी आ जाते हैं, क्योंकि इनका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो वहाँ पे जो नॉर्मल या फिर आप कह सकते हैं मिडिल क्लास वाली जो फैमिलीज हैं वो भी आती हैं, तो पेशेंट फ्लो बढ़ता है ऑब्वियसली, ठीक है। 1000 अप्रोक्सीमेटली पेशेंट फ्लो का फायदा क्या होगा कि आपको मतलब जो पेशेंट मतलब जो प्रैक्टिकली एक्सपोजर है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा एंड आपको सीखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ पे अगर मैं कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में आपको बताऊँ तो आपको यहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज मिल जाती हैं, ब्लड बैंक, डायग्नोस्टिक सर्विसेज, OPD, इंडोर सर्विसेज, ICU, सुपर स्पेशलिटी सेंटर है यहाँ पे, ठीक है, लेबोरेटरीज मिल जाती हैं, काफिलेशन मतलब सारी मतलब फुली इक्विप्ड मतलब आपको यहाँ पे लैब्स मिल जाती है। तो ये सारी आपके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। देन अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा एलिजिबिलिटी एंड फी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी बताऊँ, आपका नीट के स्कोर में आपको क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपने नीट में क्वालिफाई किया हुआ है तो आपका यहाँ पे मतलब चांसेस होते हैं, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो इनकी कट ऑफ है उससे ज़्यादा आपके मार्क्स आने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि इनकी कट ऑफ आई जाती है आपके फेवरेट मेडिकल कॉलेज की एंड ये जो मतलब आपकी जो रैंक है वो थोड़ी कम होती है। तो अगर आप ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसका भी सोल्यूशन गेट एडमिशन के पास है, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं यहाँ के फी स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि आपके बजट में अगर ये कॉलेज आएगा तभी तो आप सोचेंगे ना कि अब कैसे एडमिशन लेना है। तो देखो 4.6+1 ईयर इंटर्नशिप, मतलब आप समझ गए हैं कि कोर्स का ड्यूरेशन ये है एंड मतलब एक साल की इंटर्नशिप आपकी होती है यहाँ पे। एंड फीस आपकी रहने वाली 20,75,000 पर ईयर, हॉस्टल फीस आपकी 1,70,000 पर ईयर, फुल पैकेज आपका यहाँ पे 1,02,52,500, टोटल सीट इंटेक यहाँ पे आपको 150 मिल जाती है। तो अब आपने बजट देख लिया है, अब आपको लगता है कि आपके बजट में जो इंस्टीट्यूट आता है वो आता है, तो देखो अब आप एडमिशन के लिए तैयार हैं। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कैसे एडमिशन आपका हो सकता है। तो देखो अगर आपकी रैंक कम है तो आपको करना सिर्फ इतना कि आपको गेट एडमिशन को कॉल करना है, क्योंकि गेट एडमिशन आपकी हेल्प करता है आपके मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन कराने में। यार जो स्क्रीन पे दे नंबर है इस पर आपको कॉल करना है, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप लिंक भी दिया गया, डायरेक्ट व्हाट्सअप करके भी अपने सवाल जवाब कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं हमारे साथ ताकि हम आपका एडमिशन ईजिली करा सके, आपको ज़्यादा कोई परेशानी फेस ना करनी पड़े एंड आपका एडमिशन ईजिली हो जाए। तो ये सारी एक प्रोसेस है, आप प्लीज़ कॉल कीजिए गेट एडमिशन को, आपका एडमिशन होगा, ठीक है। देन आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं यहाँ की स्कॉलरशिप वगैरह के बारे में, वो बाकी सारी फैसिलिटीज़ के बारे में। देखो स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे कई सारी कैटेगरीज में स्कॉलरशिप अवेलेबल है, मेरिट बेस्ड हो गई, डिफेंस फैमिली एक्ट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, देन आपको SC ST या फिर आप स्टेट डोमिसाइल से हैं, तो ढेर सारी कैटेगरीज है, वो जब आप विजिट करेंगे तब आपको वो कैटेगरीज पता डिटेल्ड में चल जाएंगी, ठीक है। देन आगे बैठते हैं बताता हूँ हॉस्टल के बारे में, यहाँ पे हॉस्टल में AC नॉन AC दोनों फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, काफ़ी नीट एंड क्लीन वाइब वाले, अच्छी खासी हाइजीन मेंटेन है वहाँ पे रूम्स में एंड हॉस्टल में ऑब्वियसली। एंड इसके अलावा आपके यहाँ पे फैसिलिटीज़ लाइक कैंटीन, कैफेटेरिया, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल, वाई फाइनेबल कैंपस, AC क्लासरूम, जिमनेजियम, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी, तो ढेर सारी ये सारी जो चीज़ें वो मिलती हैं आपको एंड जो कि बेसिक्स होती हैं यार हर एक मतलब मेडिकल कॉलेज में मिलती है। एंड आई थिंक अब इस वीडियो में भी इतना काफ़ी रहेगा, अगर आपको एडमिशन चाहिए तो गेट एडमिशन को कॉल कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।